सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। आज सुबह सुबह उठा हूँ, सोचा यार थोड़ा मॉर्निंग में बाइक चला के आऊँ। मानसून ऑलमोस्ट ख़त्म होने के बाद दिस इज़ द फर्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे रोड सूखे दिखाई दे रहे हैं। कल रात को मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, दैट वाज अबाउट स्पीटी राइड। दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी स्पीटी राइड में क्या मेजर प्रॉब्लम हुआ था। एंड यस, इट वाज एन इनकम्प्लीट स्पीटी राइड। उसके लिए रीज़न भी है, दैट वाज बिकॉज ऑफ मेरे अकाउंट में से 75,000 की चोरी हो गई थी। यस, एंड इट वाज एन इंटरनेट थेफ्ट। वो चोरी हुई थी फ्रॉम द ATM। अभी उसका सीन मुझे बताना था आपको, इसके लिए मैं आज सुबह बाहर निकल पड़ा हूँ। थोड़ा सुकून से बता सकता हूँ बाइक चला चला के। हुआ क्या, मैं निकला था मेरे स्पीटी की राइड के लिए। डे वन वॉज फ्रॉम मुंबई टू उदयपुर, देन उदयपुर टू न्यू दिल्ली, एंड फ्रॉम न्यू दिल्ली वी प्लान टू टेक अ हॉल्ट समवेयर इन हिमाचल, बट नॉट स्पेसिफिक प्लेस लाइक शिमला और कुफरी। हम लोगों ने जो स्टॉप लिया था दैट वॉज, ओ माय गॉश, दैट वॉज समवेयर बिफोर कुफरी एंड शिमला। ठीक है, अभी मुझे वो जगह याद नहीं है, हाँ, बट होटल का नाम याद है, दैट वाज ट्रिपल एच। थोड़ा पॉपुलर है यूट्यूबर्स के बीच में, इवन मुंबई करने के लिए भी वहाँ पे स्टे किया है बहुत बार। उसके बाद ना हम लोग सुबह निकले वो जगह से, यानी ट्रिपल एच होटल से। वी वर राइडिंग फॉर द होल डे। अभी हुआ क्या मालूम है, एक जगह आई जहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट 4 बज गए। दिस इज़ लाइक आफ्टर कुफरी एंड शिमला। मैं गया था ATM में पैसे निकालने, क्योंकि मेरे पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। तो मैं गया SBI के ATM में। अभी मैं ऐसे कुछ बदनाम नहीं कर रहा हूँ कि भाई SBI के ATM फालतू रहते हैं या किसी बैंक के ATM फालतू रहते हैं। आई वॉज एट द SBI ATM। अभी मुझे पता नहीं उस ATM में क्या प्रॉब्लम था, बट मैंने जब भी कार्ड डाला तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। इवन डिस्प्ले में भी कुछ बता नहीं रहा था क्लियरली। ओ मैं लाइक चलो निकल जाते हैं इस ATM से, विल ट्राई फॉर द अदर ATM। तो मैंने दूसरे ATM में से पैसे निकाले, थोड़े से 10-12 हज़ार। उसके बाद का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग पहुंच गए थे एक रामपुर नाम के जगह पे। रामपुर मुझे इतना भी याद है जहाँ पे हिमांशु मेरा दोस्त है, आपको पता रहेगा, एंडलेस राइड्स। उसने एक होटल बुक किया था रामपुर में, विच आई रियली डिडंट लाइक। रात हो गई, 10:30 से 12 बज गए। हम लोगों ने खाना वाना खा के वी वेंट फॉर स्लीप। अभी हम लोग सो गए। तो होटल इतना कुछ खास नहीं था, कोजी नहीं था, तो मुझे यार नींद आना वॉज लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो कैसे कैसे मुझे नींद आ गई, बट 12:35 या 12:45 को मेरे मोबाइल कंटिन्यू बजने लगा। आई वाज लाइक, मैंने 2-3 बार तो कॉल कट किया। एंड जिस टाइम मैंने उठाया ना, मेरे मोबाइल में एक साउथ इंडियन टोन आया आदमी का, और वो आदमी मुझे पूछ रहा है कि सर इज दिस विजय सुतार? मतलब यस सर, आप कहाँ पे हो? मैं बोला मैं अभी हिमाचल में हूँ। कहाँ पे? तो रामपुर करके जगह है। बोला ओके सर, आपके अकाउंट में से 55,000 विड्रॉ किए जा रहे हैं अभी। लोकेशन इज़ नॉट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आई वॉज लाइक फक, मतलब क्या बात कर रहे हो? तो शुड आई स्टॉप दिस ट्रांजेक्शन और लाइक शुड आई ब्लॉक दिस कार्ड इमीडिएटली? मतलब यार व्हाट आर यू आस्किंग, मतलब डू इट नाउ, राइट नाउ। एंड ये कॉन्वर्सेशन जब भी हो रहा था ना, ही वॉज आस्किंग फॉर ब्लॉकिंग द कार्ड। तब तक उसने 75,000 यानी और 20,000 निकाल लिए मेरे अकाउंट में से। एंड इट वॉज लाइक क्या बात कर रहा है यार। और मेरे मोबाइल में SMS आ रहे हैं कंटिन्यू, 10,000 10,000 10,000, बिकॉज किसी भी ATM में 10,000 के ऊपर आप पैसे नहीं निकाल सकते। इट वाज लाइक दैट एट दैट टाइम। अभी पता नहीं, अभी बढ़ गई रहेगी लिमिट। इमीडिएटली आई डिसाइडेड कि भाई मैं तो अभी रिटर्न जा रहा हूँ, मैं ये मूड में भाई राइड वाइड तो मैं करूँगा नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं सुबह सुबह ही आई विल रिटर्न टू मुंबई एज सुन एज़ पॉसिबल, क्योंकि सबसे पहले मुझे जो चीज़ करनी थी ना दैट वाज टू डू एफ आई आर लॉन्च करनी पड़ती है इन द नेम ऑफ बैंक। रामपुर के ही पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने एफआईआर लॉन्च की एंड इट वाज लाइक मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में हो गया ये काम। एंड सीरियसली टू टेल यू, रामपुर की पुलिस बहुत सपोर्टिव है एंड आई वाज रियली हैप्पी। मैं इतना हैप्पी हूँ कि कभी भी मैं जाऊँगा ना राइड पे, वो पुलिस स्टेशन में ज़रूर मिल के आऊँगा। लकीली जो मेरा बैंक है जिसमें से पैसे गए, HDFC, वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन इंडिया, आई विल टेल यू, पीछे ही थी पुलिस स्टेशन के। तो मेरे साथ एक साहब जी को भेजा पुलिस के, उनके ही कोऑर्डिनेट करने के लिए कि भाई इनके साथ चले जाओ ताकि इनको कोई दिक्कत ना है। एंड आई वाज लाइक फक सरप्राइज कि यार ये मेरे साथ एक आदमी को भी भेज रहे हैं विच इज़ एक्चुअली फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट। सो वो साहब जी मेरे साथ आए HDFC बैंक ब्रांच में एंड वहाँ पे ब्रांच मैनेजर से मिलने के बाद सब प्रॉब्लम समझ में आया। तो ही एक्सप्लेन्ड मी कि भाई यही जो मैंने आपको भी बताया कि आपके पैसे छत्तीसगढ़ बिलासपुर में से चोरी किए गए हैं, तो ऐसे ऐसे ये ATM का ID नंबर है। तो फॉर रेफरेंस दे विल हैव टू चेक द CCTV फुटेज कि भाई एक्चुअली आप वहाँ पे थे कि नहीं। एनीवेज मैं था नहीं वहाँ पे क्योंकि मैं तो रामपुर में था। तो दैट वाज द थिंग कि देख सके ना, सो दैट वाज द थिंग कि भाई एक बार फुटेज कंफर्म होने के बाद दे विल रिटर्न माई मनी बैक अगर मैं इसमें चोरी की नहीं है तो। एंड ये सब हुआ, मेरे ख्याल से उसको 15 दिन बीत गए। 15 दिन बीतने के बाद मेरे पैसे रिटर्न तो आए, बट उतने दिन तो यार मेरी तो हवा टाइट थी यार। सीरियसली बोलूँ, आई वाज लिटरली शॉक्ड कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ याद आने का रीज़न ये है दोस्तों कि अभी ना मेरे 2 क्लोज़ फ्रेंड है, वो अभी लॉन्ग राइड पे जाने वाले हैं। लॉन्ग राइड यानी अच्छी खासी लॉन्ग राइड है। फ़िलहाल आप 2-3 राइड्स के नाम ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं इंटरनेट पे। फर्स्ट इज़ झंस्कार एंड सेकंड इज़ केला टॉप। अभी ये केला टॉप है ना, ये रिसेंटली इट इज़ द हाईएस्ट टॉप इन इंडिया। केला टॉप बहुत सारे राइडर्स, प्रो राइडर्स यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, उसके बाद उनको फॉलो करके बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी वीडियो डालने लगे हैं। बट दैट इज़ द अदर साइड ऑफ दिस दैट। तो उसी के ऊपर से मुझे याद आया कि भाई यार ये एक वीडियो डालना चाहिए कि भाई अगर जाओगे ना राइड पे तो प्लीज़ ट्राई टू कीप एज मच एज हार्ड कैश इन योर पॉकेट्स सो दैट ATM में जाने की नौबत ना पड़े वाइल यू आर ट्रैवलिंग। सितंबर के मंथ में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं ना राइड पे जा रहे हैं। जिन लोगों ने मई मंथ में मिस किया था ना, दे सितंबर में भाई पूरी भड़ास निकलने वाली है। एंड सीरियसली एक्सपेक्टिंग सम रियली गुड कंटेंट वीडियोज़ फ्रॉम आवर मोटो व्लॉगर ब्रदर कम्युनिटी। So guys, all the very best for the rides. Unfortunately, I will not be able to join you guys क्योंकि as you all know, अभी I am blessed with a baby boy and 6 महीने का है, so I cannot come। तो यही चीज़ याद आई यार, आपके साथ शेयर कर लूँ। वाओ, कितने दिन के बाद आया हूँ, बाप रे, बिकॉज मैं ज़्यादा नहीं आता यहाँ पे। दिस वॉज माई ऑफिस रोड, यानी घर पे रिटर्न आने का और जाने का ये मेरा डेली का रोड था। मैं डोमिनारी चलाता था, अभी भी यही चलाता हूँ। बस चीज़ यही है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से अभी ज़्यादा निकलना नहीं होता। घर से बाहर। तो कुछ नहीं, अभी ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, यही एक चीज़ शेयर करनी थी आपसे। उसी बहाने यार मोटो व्लॉग भी बन गया है मेरा। मंडे टू फ्राइडे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसकी वजह से एक संडे या सैटरडे को वीडियो बना लेता हूँ। तो ऐसे ही कुछ नई नई स्टोरीज लेके आऊँगा जो मैंने कभी आपके साथ रिवील नहीं की है, ठीक है। ऐसे ही नई नई स्टोरीज लेके आऊँगा आने वाली वीडियोस में। टिल देन आप लोगों को एक चीज़ करनी है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और लाइक करना है इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। एंड छोटे छोटे अपडेट्स के लिए डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर श्योर, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मेजर अपडेट्स आते रहते हैं दोस्तों अबाउट आवर चैनल, या कुछ भी नए बाइक की डिलीवरी हो रही है। सो दैट इज़ द थिंग। अभी के लिए आई विल लॉग आउट नाउ, see you in the next video. Till then, take care, goodbye and ciao. I love Dombivli. Wow.